नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्ट मर्मर के बारे में। हर्ट मर्मर के लक्षण क्या होते हैं, हर्ट मर्मर के कारण क्या होते हैं, हर्ट मर्मर के जोखिम क्या होते हैं, हर्ट मर्मर का निदान क्या होता है, हर्ट मर्मर का इलाज क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हर्ट मर्मर दिल की धड़कन के दौरान सुनाई देने वाली एक असामान्य ध्वनि को कहा जाता है। हृदय वाल्व के माध्यम से या हृदय के पास से होने वाले असामान्य रक्त प्रवाह के कारण यह आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। हार्ट मर्मर की समस्या जन्मजात या बाद में भी विकसित हो सकती है, पर कोई बीमारी नहीं है। हालांकि यह हृदय संबंधित अंतर्निहित समस्याओं का संकेत जरूर हो सकती है। हार्ट मर्मर के कारण सामान्य तौर पर कोई हानि नहीं होती है, ना ही इसके उपचार की भी कोई आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ मामलों में परीक्षण कराया जाता है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि मर्मर किसी गंभीर अंतर्निहित हृदय संबंधी समस्या के कारण तो नहीं हो रही है। वैसे तो यह हानि रहित स्थिति है, लेकिन यहां एक अपवाद भी है। मर्मर्स को कई बार हृदय वल्व के क्षतिग्रस्त होने अथवा इन पर बहुत अधिक दबाव पड़ने की स्थिति से भी जोड़कर देखा जाता है। कई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं जो हर्ट मर्मर की समस्या का कारण बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम हर्ट मर्मर के लक्षण, कारण और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हर्ट मर्मर के लक्षण, हर्ट मर्मर के सिम्टम्स क्या होते हैं। यदि आप में हानि रहित हर्ट मर्मर का निदान होता है, जिसे आमतौर पर इनोसेंट हर्ट मर्मर भी कहा जाता है, तो इसमें कोई भी संकेत या लक्षण नजर नहीं आते हैं जब तक स्टेथोस्कोप के साथ डॉक्टर हृदय की आवाज नहीं सुनते हैं, तब तक इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन अगर आप में कुछ इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो यह तमाम समस्याओं के संकेत हो सकते हैं, जैसे उंगलियों और होठों की त्वचा का नीला दिखाई देना, सूजना या अचानक से वजन बढ़ना, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, लीवर का बढ़ जाना, गर्दन की नसों का बढ़ना, भूख न लगना, बिना थकावट के ही बहुत अधिक पसीना आना, छाती में दर्द होना, सिर चकराना, बेहोशी आ जाना। अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो ये गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हर्ट मर्मर के कारण क्या होते हैं। हर्ट मर्मर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला इनोसेंट हर्ट मर्मर और दूसरा एबनॉर्मल हर्ट मर्मर। जिन लोगों को इनोसेंट हर्ट मर्मर की शिकायत होती है उनका हृदय सामान्य होता है, नवजात और बच्चों में यह समस्या सामान्य है। वहीं एबनॉर्मल हर्ट मर्मर थोड़ी गंभीर स्थिति है, बच्चों में यह समस्या जन्मजात हृदय रोग के कारण होती है, जबकि वयस्कों में इसका कारण हृदय वल्व से संबंधित समस्या हो सकती है। इनोसेंट हर्ट मर्मर, हृदय से होकर जब रक्त का प्रवाह सामान्य से अधिक तेजी से होने लगता है तो इस कारण से इनोसेंट हर्ट मर्मर की समस्या हो सकती है। कई ऐसी स्थितियां हैं जो तेजी से रक्त प्रवाह का कारण बन सकती हैं, जैसे शारीरिक गतिविधियां या व्यायाम कर रहे हो, गर्भावस्था, बुखार, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, इसे एनीमिया भी कहा जाता है, शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा का बढ़ना, हाइपर थायराइडिज्म। एबनॉर्मल हर्ट मर्मर, जिन बच्चों का जन्म हृदय की संरचनात्मक समस्याओं, जन्मजात हृदय दोष के साथ होता है, उनमें एबनॉर्मल हर्ट मर्मर का खतरा अधिक होता है। ऐसे ही कुछ जन्मजात दोष मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे दिल में छेद होना, हर्ट वल्व की असामान्यताएं,
इंडोकार्डियाइटिस, रूमेटिक फीवर, इन समस्याओं के होने पर आपको हर्ट मर्मर हो सकती है। अब हम जानेंगे हर्ट मर्मर के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। कई ऐसे जोखिम कारक हैं जो हर्ट मर्मर के जोखिम को बढ़ा देते हैं, जैसे हृदय संबंधी रोगों का पारिवारिक इतिहास। यदि परिजनों को हृदय संबंधी समस्या रह चुकी है तो आपको या आपके बच्चे को हर्ट मर्मर की समस्या होने का खतरा अधिक हो जाता है। अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हृदय की दीवारों में संक्रमण, एंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कार्सिनोइड सिंड्रोम जैसी तमाम बीमारियां, ये सिचुएशन भी हर्ट मर्मर के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जैसे गर्भावस्था के दौरान बीमारियां, गर्भावस्था के दौरान अनियंत्रित डायबिटीज़ या रूबेला संक्रमण होने से बच्चे में हृदय संबंधी रोग या हर्ट मर्मर का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भावस्था में कुछ दवाइयों का सेवन, गर्भावस्था में कुछ दवाइयां, अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे उसमें हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे हर्ट मर्मर का निदान यानी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। आम तौर पर डॉक्टर को फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हर्ट मर्मर का पता चलता है। स्टेथोस्कोप के माध्यम से वह हृदय से आ रही असामान्य आवाज़ों को सुन सकते हैं। रोगी को इनोसेंट हर्ट मर्मर की समस्या या बल्ब संबंधी दोष के कारण हृदय से आवाज़ आ रही है, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ परीक्षण करने की सलाह दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम EKG। इस परीक्षण के माध्यम से हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापा जाता है। हृदय के बढ़ने की स्थिति का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी, इस टेस्ट में हृदय की संरचना को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हर्ट मर्मर का ट्रीटमेंट क्या होता है। इनोसेंट हर्ट मर्मर की स्थिति में आमतौर पर इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि इनोसेंट हर्ट मर्मर बुखार या हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियों के कारण हुआ है तो उस स्थिति में डॉक्टर आवश्यकता अनुसार इलाज की सलाह दे सकते हैं। वहीं एबनॉर्मल हर्ट मर्मर की स्थिति में कुछ मामलों में इलाज की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर रोगी की स्थिति पर निगरानी रखते हैं। यदि उपचार आवश्यक है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि किन समस्याओं के कारण हर्ट मर्मर की स्थिति पैदा हो रही है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ मेडिसिन जो यूज की जाती हैं। हृदय की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर ही दवाइयां दी जाती हैं। रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली दवाइयां, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ECE अवरोधक दवाएं, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय वाल्व की समस्या हो सकती है। और दोस्तों, इसके लिए सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी में जो है बल्ब से संबंधित सभी स्थितियों का इलाज केवल दवाओं के साथ नहीं किया जा सकता। हृदय की स्थिति की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर क्षतिग्रस्त वाल्व को ठीक करने के लिए सर्जरी को भी प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।